समाज जीवन की अनेक अनेक विभिन्न स्तर की संस्थाएं होती है, राजनीति से लेकर समाज व्यवस्था में हर सारी संस्थाएं बनी हुई होती है। लेकिन इन सारी संस्थाओं में किसी भी इंसान को प्रशिक्षित होकर जाना होता है आमतौर पे। वैसे भी राजनीति में जो भी राजनेता होता है वो शायद सैद्धांतिक तौर पे अगर प्रशिक्षित हो तो उन्हें किसी महाविद्यालय किसी विश्वविद्यालय में वो शिक्षा हासिल करनी होती है, जैसे राज्यशास्त्र विभाग होता है। आज हम नागपुर यूनिवर्सिटी के राज्यशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विकास जांभुलकर इनसे इन्हीं संदर्भ के साथ बात करना चाहते हैं। त्रिवेज मीडिया टीवी के परिवर्तनाचे श्रीदार इस मराठी सदर में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आप लगभग शिक्षा विभाग से 20-25 साल से जुड़े हैं। हम ये सोचते हैं कि 1991 के बाद पूरी दुनिया में एक ग्लोबलाइजेशन आ गया और जब विश्व में कोई भी व्यवस्था अगर बदल कर सामने आती है तो उसका निश्चित तौर पे शिक्षा पे असर होता है। पहला तो एक ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या राज्यशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में जो स्टडी या अभ्यासक्रम बन रहा है क्या उसका भी कैपिटलाइजेशन हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? उस दृष्टिकोण से अगर देखें हम तो शिक्षा निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में कैपिटल का भी अत्यंत महत्वपूर्ण रोल हो गया है और धीरे धीरे शिक्षा क्षेत्र का भी प्राइवेटाइजेशन होते हुए हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग ये भी अभी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार से UGC या RUSA अभी हमसे अपेक्षा करती है कि हम लोग अधिक से अधिक कोर्सेस इस तरीके से डिज़ाइन करें जो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ में जा सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ में जा सकते हो, तो निश्चित ही कैपिटल का जो एक रोल है वो हमको यहाँ पर नज़र आता है कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बल्कि वो रोजगार मुक्त शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह की भूमिका अभी हमारे बीच में नज़र आ रही है। जाने माने प्रोफेसर राज्यशास्त्र, आज के दौर में हम दुनिया की शिक्षा से बात आरंभ की है लेकिन आज के दौर में हम जब देश की राजनीति देखते हैं वो राजनीति का व्यवहार और यहाँ पे जो आप सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं ये दोनों में क्या अंतर पाते हैं आज के दौर में? ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से आपने रखा है। एक तो ये है कि हम लोग कईयों बार ये सोचते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष राजनीति जो है और हमारे सिद्धांत जो हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं और हम लोग क्लासरूम में सिद्धांतिक तौर पर कुछ अलग पढ़ाते हैं और राजनीति में कुछ अलग करते हैं। कईयों तौर पर यूनिवर्सिटी सिस्टम के थ्रू आने वाला जो एजुकेशन है वो हो सकता है कि कईयों बार आज के परिप्रेक्ष्य में या जो कुछ भी हो रहा है घटित हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा एकदम से मैच ना करें, उसको उस तरीके से एकदम से ना देख पाए। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा रोज का जो सैद्धांतिक जो विचार जो हम लोग करते हैं वो और हमारे एक्शंस पे बहुत कुछ फ़र्क होता नहीं है। तो एक तरफ में अगर हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के अंदर में आया हुआ है और हम लोग ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हमारे अंदर में कुछ इस तरीके से बदलाव आने लगे हैं तो उसका नतीजा भी यही है और उसका जो हम लोग ये कहते हैं कि लोगों का सोचने का भी तरीका ग्लोबलाइजेशन की तरफ में एक झुकाव की तरीके से होते हुए दिखाई देता है, वो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में सोचना आज के तौर पर शुरू किए हुए हैं तो, और इसीलिए हम लोग इतने सरल तरीके से ग्लोबलाइजेशन को सस्टेन होते हुए भी देख पा रहे हैं। तो जो सैद्धांतिक तौर पर हमारा जो सोचने का जो ढांचा है और प्रत्यक्ष जिस तरीके की राजनीति चल रही है इसमें कई लेवल पर यानी विरोधाभास दिखाई दे लेकिन वो विरोधाभास जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्तिक नहीं है और बाय एंड लार्ज हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के आर्गुमेंट को ही इंटरनलाइज कर लिया है, ऐसा मुझे अभी लगने लगा। जब आप एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र में तो विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षा के माध्यम से जो तत्व होते हैं उन पे किसी न किसी विचार का प्रभाव होता है आमतौर पर। हाँ जी, वो स्वायत्तता के कारण हो या अन्य किसी कारण, राइट। क्या आपको भी ए पॉलिटिकल साइंस में किसी तत्वज्ञान का या किसी तत्वज्ञ का आपके ऊपर प्रभाव है? जिन घरों से हम निकले हैं और जिन बस्तियों में हम रहते हैं जिस कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर में रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिनके माध्यम से ये हमने ये पूरी मूवमेंट देखी है
उनका निश्चित ही प्रभाव हमारे पूरे मेकअप पर ही है, हमारे सोचने के तरीके पर है, हमारे समझने के तरीके पर है। हम भारत की राजनीति को या इवन दुनिया की राजनीति को भी उसी दृष्टिकोण से देखने का कोशिश करते हैं। वो एक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम लोग हमारे राजनीतिक एनालिसिस की तरफ में पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो निश्चित ही फुले अम्बेडकरी ट्रेडिशन का हमारे ऊपर में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पूर्वसूरी माना है, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत भी रहे जी। तो आज के दौर में जो सबसे बड़ी चर्चा होती है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, वो आरक्षण को लेकर है जी। क्या आप इस आज के दौर में ये आरक्षण का मसला एक राजनीति और सामाजिक जीवन से कैसा जोड़ते हैं या उसे क्या, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का एक तरफ में अगर हम लोग बात कर लें और वहीं दूसरी तरफ में जैसे आपने सवाल किया कि आरक्षण के मुद्दे के ऊपर में जिस प्रकार की गर्मा गर्मी हमारे राजनीतिक पटल पर हो रही है उसके मामले में चर्चा करें, तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहला ये कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विचार है वो सिर्फ आरक्षण और आरक्षण मर्यादित विचार नहीं है, वो एक बहुत व्यापक और बड़े स्तर का विचार है। उसमें सत्ता, सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का बात है। आरक्षण उसकी सिर्फ एक नीति है, सिर्फ एक नीति है, यह हमको समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आरक्षण की तरफ में उसी दृष्टिकोण से देखा जाए, मेरा यह मानना है आरक्षण उन तबकों के लिए है जिनको इस समाज के अंदर में सबसे ज्यादा जो पिछड़े रहा हुआ है, जो हिस्टोरिकली जिसको हम लोग कहते हैं कि जो पिछड़ा रहा हुआ है, और वो हिस्टोरिकल पिछड़ापन अभी भी गया नहीं है, वो कंटिन्यूड है और उसके रीजंस भी कंटिन्यूड है। अगर इस बात को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो आरक्षण सिर्फ उन्हीं तबकों के लिए भी होना चाहिए जो इस पिछड़ेपन से ग्रसित हैं। इट इज़ नॉट ए डेवलपमेंटल पॉलिसी, ये डेवलपमेंटल पॉलिसी नहीं, और इसलिए आरक्षण के पॉलिसी को और डेवलपमेंट के पॉलिसी को हमको फर्क करते हुए देखना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आरक्षण के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो आरक्षण के विषय पर दो खेमे बहुत स्ट्रांगली हमारे तरफ में पिच किए गए हैं। पहला ये जो आरक्षण के फेवर में बात करता है और उसको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसको डेवलपमेंटल पॉलिसी बना बैठा है कि सिर्फ आरक्षण, उसके अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं। यहाँ इस टोक तक की भूमिका तलक के हम लोग गए हैं। वही दूसरी तरफ में एक ऐसा आर्गुमेंट है जो बिल्कुल आरक्षण विरोधी और वो चाहता ही नहीं है कि यहाँ पर आरक्षण की नीति हो, और भारत के अंदर में जो कुछ भी इसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम्स है वो आरक्षण की वजह से हैं, इसको वो लिंक है। तो ये दो अलग बहुत ही टोक की भूमिकाएं लेकर हम लोग बात करते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि आरक्षण की नीति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नीति है जो इस देश के अंदर में जो पिछड़ा वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसको एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक इंपॉर्टेंट नीति के रूप में आई, लेकिन ये परिपूर्ण नीति नहीं है। अपने आप में ये सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं ला सकती है। इसीलिए आरक्षण के साथ में जरूरी है कि डेवलपमेंट की नीतियां भी पूरक तरीके से उसके साथ में बनी रहे, और जब ये एक दूसरे को पूरक नीतियां के रूप में रहेगी तो ही मुझे लगता है कि ये पिछड़ी जो जातियां हैं, जमातियां जो हैं, ये सामने आ पाएगी और जो इक्वालिटी का हम लोग बात कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीमिंग का जो बात कर रहे हैं वो होने की शक्यता है। लेकिन बाय एंड लार्ज चूंकि आज हम लोग 70 साल के बाद में भी आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, हर एक क्षेत्र के अंदर में जहां लागू होना चाहिए था वो कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर लागू नहीं हो पाया है, इस वजह से भी ये आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांगली हमारे सामने निकल के आता है कि आरक्षण पहले फुलफिल करिए फिर हम बाद में बाकी की चर्चा करेंगे। आरक्षण की नीति से लेकर जब एक बात चल रही तो एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उसको विकास का प्रोग्राम बना दिया है इंस्टीट्यूट में, और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि आरक्षण का लाभ जिस वर्ग को मिला है, जिस क्लास को मिला है, उनमें जो एक भौतिक विकास दिखाई देता जी, है, जी, तो उनका शायद एक आकर्षण होगा अन्य समाजों में। लेकिन क्या एक सैद्धांतिक तौर पे आप क्या सोचते हैं कि आरक्षण के साथ साथ एक विकास का कार्यक्रम या एजेंडा वो क्या हो, कैसा हो, क्या आप सोचते? आरक्षण जो हमारी तरफ में है वो तीन प्रकार के आरक्षण है। एक है राजनीतिक तौर पर का, दूसरा है शैक्षणिक, और तीसरा है नौकरियों का, राइट। और ये तीनों ही आरक्षण को जब हम लोग देख रहे हैं तो आज की परिस्थितियों को थोड़ा सा मद्देनजर अगर हम लोग इसमें अगर ध्यान दें तो कुछ हमारे सामने स्थिति इस तरीके की है कि ग्लोबलाइजेशन आता है, स्टेट के रोल बैक की प्रक्रिया हमको दिखाई दे रही है। स्टेट कहाँ से रोल बैक कर रहा है, खास करके इकोनॉमिक एक्टिविटी से रोल बैक कर रहा है, जो कि वो पहले
करता था, जैसे कि रेलवेज हो गया है, आपके सारे जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे कॉरपोरेशन के थ्रू आपको जो सर्विसेज आती हैं, रास्ते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये सब स्टेट अपने हाथ में लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया लगाता था। अभी हर एक क्षेत्र में से स्टेट रोल बैक कर रहा है और उसको प्राइवेटाइज कर रहा है, तो आरक्षण वैसे ही कम हो रहा है। इसीलिए बीच में डिमांड उठा था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में आरक्षण दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर में ये शंका जताई है कि ये पर्सनल लिबर्टी को ये हार्म कर सकता है, और ऐसे केस के अंदर में अगर ऐसी कोई भी नीति आती है तो शायद ये सफल नहीं होगी, खास करके कोर्ट के अंदर में। तो ये एक पहलू है जिसमें आरक्षण कम होते जा रहे हैं। तो हमको आरक्षण का क्षेत्र एक तो ये है कि बनाए रखना है, खास करके एजुकेशन और सर्विसेज के अंदर में जो डिमांड आरक्षण का है वो फुलफिल होते रहना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये हमको समझने का बात है। और अगर इवन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आरक्षण के अलग अलग स्वरूप का अगर हम लोग बात करें तो भी वो जायज होगा। दूसरा, जहां पे हम लोग डेवलपमेंटल भूमिका की बात कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखने का जरूरत है कि हमारी बस्तियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बस्ती का सफाई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे हेल्थ के इश्यूज, हमारे बेसिक सर्विसेज के इश्यूज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर ये अगर हमारे पास में अगर पोषक वातावरण ही नहीं है जिसमें कि बच्चा तैयार हो सकता है या कम्युनिटीज तैयार हो सकती है, तो ये आरक्षण का फायदा हम लोग बहुत कुछ नहीं ले पाएंगे। अगर स्कूलें ही नहीं है बस्तियों के पास में, तो स्कूलों तक के पहुंचने का जो एक काम है जिसको हम लोग एक्सेस कहते हैं, वो एक्सेस हम लोग नहीं ले पाते हैं, राइट? सो उसके लिए स्कूल होना बहुत जरूरी है, कम दरों पर स्कूल होना बहुत जरूरी है, राइट? कम फीस पर स्कूल होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में क्वालिटी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ में नौकरियों के अलग अलग क्षेत्र के अंदर में सभी जगहों पर समान रूप से आपको एंट्री मिलेगी, इसका भी एक जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यवस्था होनी चाहिए। गांव से लेके शहरों तक के जिसको हम लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन के साधन, ये सभी लोगों तक के पहुंचने चाहिए। आज जिस तंत्रज्ञान का हम लोग बात कर रहे हैं, आईटी टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, इसके फैसिलिटीज सभी लोगों तक के पहुंचने चाहिए जिससे कि वो उसको एक्सेस कर सके। सो हमारा जो मेजर इशू है वो है एक्सेस का, कि अगर हम लोग स्टेट में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, समाज में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसको एक्सेस कर पाते हैं क्या, या ऐसी व्यवस्था है क्या कि हम उसको एक्सेस कर सके। आज जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अगर बात करते हैं, तो क्या कर्ज हमारे लिए उतने एक्सेसिबल है जितने कि बाकी लोगों के लिए है? तो ये वाले इश्यूज उतने ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोग ये सारी जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, ये सारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज को एक्सेस हमको करते आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सर, आप जेएनयू के छात्र रहे हैं, आज जेएनयू में जो भी विवाद छिड़ रहा है, हाँ, कि वहां पे लेफ्टिस्ट विचारधारा के स्टूडेंट्स बाहर आते थे, इससे लेकर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में एक तनाव बन गया है, तो क्या ये जेएनयू के साथ साथ आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों में तनाव देखा जा रहा है? सभी विश्वविद्यालयों में जो तनाव अभी जो देखे जा रहे हैं, वो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ने जो प्रॉमिसेस हमारे लिए किए थे, और वो उस प्रॉमिसेस पर ग्लोबलाइजेशन खरा नहीं उतर रहा, जिस डेवलपमेंट की भाषा के साथ में ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर आया था कि यहाँ पे वो गरीबी मुक्त समाज व्यवस्था को तैयार कर पाएगा, वो नहीं होने के वजह से जो ग्रीवेंसेस समाज के अंदर में अभी बढ़ गए हैं, और ये ग्रीवेंसेस चूंकि यूथ के अंदर में सबसे ज़्यादा नज़र आता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के कैंपसेस इसमें ज़्यादा चार्ज्ड अप होते हुए दिखाई देते हैं। और चूंकि ये एक ऐसे जमीनी क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग आइडियाज से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ पहले क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर आपको नए आइडियाज़ जर्मिनेट होते हुए, नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आती हैं जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चैलेंज करती हैं। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में आप इस प्रकार के आंदोलन होते हुए देखते हैं। रह गया जहाँ तक कि दूसरा बात, कि क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में सिर्फ लेफ्ट आइडियोलॉजीज ही पनपती हैं? नहीं, सारे आइडियोलॉजीज यूनिवर्सिटीज के अंदर में पनपते हैं और रंग लेते हैं, ये उनका ट्रेनिंग ग्राउंड भी है जहां पर वो अपने आप को आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, किस खेमे को वो बिलोंग करते हैं, किस खेमे से उन्होंने बात करना चाहिए या खेमा रखना ही चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके आधार पर हमेशा स्टूडेंट अपना पोजिशनिंग करता है, राइट? तो ये उनका अपना व्यक्तिगत चॉइस होता है, तो आइडियोलॉजीज अपील करती है। जेएनयू के अंदर में भी
ये कोई ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट आइडियोलॉजीज, ये और बात है कि लेफ़्ट आइडियोलॉजीज के माध्यम से स्टूडेंट जो संघ है वो चुन के आता होगा और लेफ़्ट आइडियोलॉजी वहाँ पर डोमिनेट होती है, लेकिन गरीबी की बात करना ये लेफ़्ट आइडियोलॉजी का ही ठेका थोड़े है। इसको लेकर जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उन्होंने जाति के दृष्टिकोण से भी बात किया हुआ और उन्होंने गरीबी को, गरीबी भारत के अंदर में क्यों है ये समझाने का बात यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में किया हुआ, इस पर हमारा तवज्जो शायद कम जाता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि JNU लेफ्ट बैस्टन है करके उसकी प्रचिति इतनी है और उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा मिसप्लेस्ड प्रकार का हमारा सोच होगा। और जो दूसरे आइडियोलॉजिकल जो बियरिंग्स हैं जो समाज को तैयार कर रही हैं और समाज के अंदर में भर डाल रही हैं, उसको समझना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है। जो प्रीमाइसेस में हो रहा है प्रयोगशाला के रूप में ये हमेशा होता रहा है, आप कहते हैं राइट, लेकिन युवाओं में जब ये आइडियोलॉजी पनपती है या उसमें संघर्ष छिड़ता है, क्यों हमेशा ऐसा होता है कि किसी निचले तबके के ही स्टूडेंट इसके शिकार होते हैं, जैसे आज रही उम्र और अन्य कोई राइट। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना भी जरूरी हो जाता है कि यूनिवर्सिटीज जो, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं और आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में स्टूडेंट्स आने लगे हैं, अगर ये चित्र अगर हम लोग थोड़ा सा शुरुआती दौर आज़ादी के बाद का अगर हम लोग चित्र अगर देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जाने वाले बच्चों की संख्या और उनके जातिगत अगर हम लोग डेटा अगर निकालें तो ऊंची जाति के लोगों ने ही यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा अधिक लिया हुआ है। बाय एंड लार्ज ये प्रक्रिया बहुत लेट तक के चली और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को एक्सेस लेट 70s 80s के अंदर में धीरे धीरे ये पिछड़ा जाति का जो तबका है वो आने लगा, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इवन OBC के रूप में जानने का कोशिश करते हैं। और यूनिवर्सिटी में जैसे जैसे आने लगा उसी के आधार पर उसका असर्शन और एक डोमिनेंट रिएक्शन जो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी का होता है वो आपको संघर्ष जो है वो जातिगत संघर्ष यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में भी होते हुए आप देखते हैं। आज जैसे जैसे दलित जातियां, जैसे जैसे पिछड़ी जातियां अपने आप को असर्ट करने लगी है, आपको बैकलैश ज़्यादा होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो इस्टैब्लिश पावर स्ट्रक्चर हैं, जो जातिगत पावर स्ट्रक्चर हैं उसी को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, उसके वितरण को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में हो, या चाहे वो इवन ज्ञान के निर्मिति के क्षेत्र में हो। तो हर जगह पर ये जो दलित पिछड़ा वर्ग है ये चैलेंज के रूप में उभरा है, एक असर्शन करता है, एक अलग दृष्टिकोण हमारे सामने रखने का कोशिश करता है और यही वजह भी है कि कैंपसेस के अंदर में हमको जातिगत तनाव दिखाई देते हैं। भारत की राजनीति एक करवट बदल रही है जी, एक राजनीति के सिद्धांत शास्त्री होने के तौर पर जी आप क्या कहोगे कि ये राजनीति कैसे और करवट बदलेगी? भारत की राजनीति को जिस ढांचे में हमने ढाला है और जिस संवैधानिक जो ढांचा हमारे पास में है, ऐसा नहीं कि भारत की राजनीति ने करवटें देखी नहीं, ये हमेशा से होती आई और ये करवटें हमने सतत तरीके से यहाँ पर अनुभव भी किया हुआ है। भारत के अंदर में एक पार्टी सिस्टम से लेके हम लोग बीच में कोएलेशन के पीरियड में आए, फिर द्विपक्षीय पार्टी का हम लोग बात करने लगे, लेकिन ये इतना सब जो प्रवास है जो हमने किया हुआ है, इसके बावजूद भी भारत की जो राजनीति है काफ़ी, जिसको हम लोग कहते हैं कि वाइटलाइजिंग है, काफ़ी एनर्जेटिक है और वो आपके सामने हमेशा चमत्कार छोड़ते हुए जाती है। साथ ही साथ में चूंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो ये अपेक्षित है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर में अलग अलग तरीके से इस व्यवस्था का उपयोग और इस व्यवस्था के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण के लोग अलग अलग समय पर सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर कांग्रेस ने अगर एक बहुत मैक्सिमम समय अगर इस देश के अंदर में राजनीति की है, 35-40 साल तक की राजनीति अगर शुरुआती दौर पर अगर यहाँ पे की है, तो बाद में हम देखते हैं कि एक कोएलेशन का पूरा पीरियड आया है जिसमें कांग्रेस गवर्नमेंट ऑलमोस्ट एक माइनॉरिटी पार्टी के रूप में हमारे को नज़र आती है और हर एक स्टेट के अंदर में क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है और वो प्रोमिनेंटली इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हुए नजर आती है। थोड़ा और आगे अगर हम लोग जाते हैं, जिस तरीके से BJP अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में आती है और फिर उसके बाद में आज नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में अगर आ रही हैं, तो हम लोग एक देख रहे हैं कि एक राइटिस्ट फोर्स भी इस देश के अंदर में एक विशिष्ट समय पर आ सकती है। और ये दोनों समय अगर आप कंपेयर करें
तो दोनों समय जो हैं ये इकोनॉमिक क्राइसिस के भी पीरियड हैं जो हमारे को नज़र आते हैं। और जब जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है राइटिस्ट फोर्सेस ने हमेशा से डेवलपमेंट को सामने करते हुए लेकिन पीछे में वो हमेशा कम्युनल फोर्सेस को मोबिलाइज करती आई हैं और कम्युनल फोर्सेस के आधार पर उन्होंने वो मोबिलाइजेशन हमेशा जारी रखा हुआ है। आज भी हम लोग वही देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये भारत की राजनीति को भी समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि हम द्विपक्षीय व्यवस्था की तरफ में बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत प्रीमैच्योर है ये कहना, और आगे आने वाले पीरियड के अंदर में वाकई में ये द्विपक्षीय व्यवस्था चलेगी या नहीं चलेगी ये अभी हम लोग बहुत जिसको हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आगे जो सवाल पूछना चाहता था उसका निष्कर्ष आपने पहले बताया, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति करवटें तो जरूर बदलती रहती जी है, लेकिन उसका एक स्पेस तो रहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बनी रहे। जी। आज हम जो करवट देख रहे हैं वो कड़वाहट में बदलती नजर आ रही है और डेमोक्रेटिक स्पेस काफी संकुच हो रहा है उसका। राइट राइट। इस नजरिए से आने वाले द्विपक्षीय राजनीति के बारे में आप उतने फर्म नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय राजनीति भी अगर चलती है तो डेमोक्रेटिक को कुछ स्पेस होता है। राइट। लेकिन ये स्पेस रहने की आशा या उम्मीद आज आपको नजर आती है। अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस विधान की तरफ में अगर ध्यान दें तो इससे काफ़ी सारा पिक्चर क्लियर होता है कि भारत के अंदर में राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से कैसी रही। बाबा साहब हम कहते थे कि भारत के अंदर में जो मेजॉरिटी है वो कम्युनल मेजॉरिटी है और ये राजनीति को बहुत असर करती है, और इसीलिए अगर आप देखते आएंगे तो हमेशा कम्युनल फोर्सेस को किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने इस्तेमाल किया है ये हम लोग पक्ष पद्धति के अंदर में ज़रूर देख पाते हैं और हमको ये दिखाई देता है। ये अभी का नहीं है, ये पहले से चलते आया है। कांग्रेस ने भी कम्युनल राजनीति की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है करके, वो सॉफ्ट तरीके से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ओपनली करती है और हिंदू राजनीति के दृष्टिकोण में रखते हुए वो काम करती है। तो ये कम्युनल राजनीति भारत के अंदर में जो हो रही है ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग एक तीसरी राजनीति की तरफ में बढ़ने का बात कर रहे थे जिसमें कि हम लोग जातिगत न्याय और इस जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने वाली राजनीति और जिसको हम लोग कहते हैं आमूलाग्र परिवर्तन का जो बात हम लोग कर रहे थे इस व्यवस्था के अंदर में, उस राजनीति का हम लोग बात करते आए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ में अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन भी यही करने का कोशिश भी करता है। वो यहाँ पर धर्म और जाति दोनों ही प्रकार के राजनीति को बर्खास्त करके एक न्याय के आधार पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का बात करता है। तो इसकी तरफ में जाना हमारे लिए अपेक्षित है, इस और जाना हमारे लिए अपेक्षित है। बाबा साहब कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एकदम से आती नहीं है, उसको आते आते बहुत देर लगती है और वो कल्टिवेट करनी पड़ती है। हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमेशा हमारे शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से, सामाजिक क्षेत्रों के अंदर में और इतर ही क्षेत्रों के अंदर में उसको परकुलेट करें और इसकी व्यवस्था बनाएं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम लोग स्टिकअप करें। अगर ये हम लोग कर पाते हैं तो शायद हम लोग डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे, अदरवाइज डेमोक्रेसी हमेशा हाशिए पर ही नजर आएगी। भारतीय राजनीति डीकम्युनल होने के लिए जी क्या भारतीय विश्वविद्यालय में जो अभ्यास आज के दौर में चल रहा है जी, क्या उसमें ऐसे कोई सिद्धांत या ऐसा कोई अभ्यासक्रम आपको नजर आता है या बनने की कोई आशा? मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम्स जो हमारे तरफ में आई हैं, मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम्स का रोल ही ये था कि वो सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करें और कम्युनल और जो कास्टिस्ट जो भूमिकाएं थी उसको बाहर करें और एक न्यायिक व्यवस्था की तरफ में हम लोग अग्रेषित हों। ये एजुकेशन का एक पर्पस है और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर एक लोग जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, यूनिवर्सिटी तो सेक्युलर स्पेसेस है, यूनिवर्सिटी कोई कम्युनल स्पेसेस नहीं है, ये स्टेट की स्पेसेस है, ये स्टेट की जगह है जहां पर लोग आते हैं। लेकिन बहुत कुछ मैटर करता है कि यूनिवर्सिटी का कंपोजिशन कैसा है, ये किस प्रकार के लोगों के द्वारा कंपोज की गई है और वो किस प्रकार की विचारधारा को कैरी करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कोई आसमान से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलाई जाती, ये समाज के विदिन तैयार किए हुए व्यक्ति, जिन आइडियोलॉजी में शेप किए हुए व्यक्ति हैं, जिस विचारों से तैयार किए हुए व्यक्ति हैं, वही यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी काम करते हैं और
यूनिवर्सिटीज का रंग जिस तरीके से तैयार करना है, विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा देनी है या नहीं देनी है, ये हमेशा सोसाइटी से ही कैरी होता है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके सिलेबसेस कितने ही सेक्युलर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको कम्युलर कलर है अगर देना है तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम वो कम्युनल कलर और कम्युनल आइडियोलॉजी से अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर में अगर जाते हैं तो हम लोग उस पूरे सिलेबस को ही कम्युनल कलर देना शुरू करते हैं और वही सेकुलर एजुकेशन फिर कम्युनल होते हुए भी दिखाई देता है। या फिर उसको और दूसरे तरीके से देखा जा सकता है, या एंटी मॉडर्निस्ट देखा जा सकता है, या एंटी ट्रेडिशन देखा जा सकता है, एंटी कल्चरल तरीके से उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। अलग अलग तरीके की भूमिकाएं हमारे समाज के अंदर में होती हुई नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ से सिर्फ शिक्षक ही नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, बल्कि मेरा यह कहना है कि इवन स्टूडेंट जो आता है वो भी कोई क्लीन स्लेट में यूनिवर्सिटी में नहीं आता है। वो हमेशा किसी न किसी कल्चरल बैकग्राउंड से आता है और जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर में इंटरैक्ट करता है तो ऑलरेडी उसकी एक भूमिका जो है वो बनी हुई होती है और वो वहां पर सुदृढ़ करते हुए रहता है, वो उसके लिए बेटर से बेटर आर्गूमेंट खोजते हुए रहता है। और इसीलिए ये सिर्फ जवाबदारी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की है, एक पूरी एक सोसाइटी की है कि वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में किस बातों को रखना चाहता है और किस तरीके से अपने आप को एजुकेट करना चाहता है। सर, एक आप सिद्धांत शास्त्री के तौर में क्या कहोगे कि आने वाली जनरेशन या आने वाले जो विद्यार्थी है, हाँ, वो इस शिक्षा को, हाँ, कैसे ग्रहण करें? पाउले फेरे करके एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी एक बहुत छोटी सी किताब निकाली थी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, और मैं हमेशा उसको मॉडल मानता हूँ। हमेशा शिक्षा जो है लिबरेटिंग होना चाहिए। लिबरेशन किस चीज़ से? डर से। लिबरेशन किस चीज़ से? एक्सप्लॉयटेशन की व्यवस्था से। तो शिक्षा ने क्या पढ़ाना चाहिए? शिक्षा ने बेसिकली उन चीज़ों को सामने लाने का कोशिश करना चाहिए जो एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स हमने तैयार किए हैं, उसका वो कैसे समझ कर सकता है, उसका वो कैसे निदान कर सकता है, ये हमको पढ़ाते आना चाहिए। शिक्षा का बेसिकली यही काम होना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर्स को वो सरफेस पर लाए और बताए कि एक्सप्लॉयटेशन के मैकेनिज्म्स किस प्रकार के हैं। ये एक भूमिका। दूसरा, शिक्षा हमेशा इंस्पायरिंग होनी चाहिए, फ्रीडम को एनलार्ज करने वाली होनी चाहिए, जिसमें हम लोग हमारे आइडियाज जो हैं वो बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। अगर क्लासरूम के अंदर में अगर बच्चों को हम ये अगर सिखाते हैं कि आप चुप बैठे और टीचर को ही सारा ज्ञान है, तो हम जनरेशन तैयार नहीं कर रहे हैं। हम लोग नॉलेज वाली जनरेशन नहीं तैयार कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक फॉलोअर्स वाली जनरेशन तैयार कर रहे हैं कि टीचर को ज्ञान है और जो सीखने आता है उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। तो ज्ञान का एनलार्जमेंट या ज्ञान का जो शोध है वो तभी हो सकता है जब ये स्पेसेस जो हैं वो फ्री हो, ताकि हम लोग फ्रीली विचार कर सकें, ताकि हम लोग फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकें, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदे पर क्यों ना हो। जब ये स्पेस, जब ये फ्रीडम आपको जब मिलेगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज्ञान का संचार कर सकेंगे और हम लोग नए नए और इनोवेटिव आइडियाज इस समाज के अंदर में लाएंगे, जो इस समाज का जो सोच और समझने का जो ढर्रा है वो पूरी तरीके से बदल देगा। शिक्षा का स्तर सेक्युलर होने के बावजूद समाज की वास्तविकता और समाज के कल्चर का जो प्रभाव युवा वर्ग पे होता है, उसका असर शिक्षा के तौर पे भी उनके मन में दिखाई देता है, लेकिन उससे बाहर आकर वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे मजबूत किया करे, इस बात को सैद्धांतिक और अपने अनुभव के स्तर पे जिन्होंने अपने सामने रखा वो प्रोफेसर डॉक्टर विकास जी जांभुलकर, इन्होंने त्रिवेज मीडिया टीवी की परिवर्तन जी शिरेदार इस सदर के लिए जो समय दिया, मैं उसके लिए उनका काफी शुक्रगुजार हूँ और उन्हें धन्यवाद देकर इस मौके। थैंक यू।